पूरा पानी है। यहाँ से देखने से वहाँ पे एक एक स्प्रिंग वाटर है, उसका पानी यहाँ पे आ रहा है। बहुत ही ठंडा है ये पानी। जो ये है सायोंग, देखिए ऐसे से मुझे तैरना होगा। ये देखिए सायोंग ओइंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त पोपो कोको। दोस्तों मैं आज फिर एक नई वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। मैं आज आई हूँ पानी खेती में, जहाँ में बहुत सारा सब्जी पाया जाता है। तो मैं आज वो उन सब्जियों को मैं ढूंढने आई हूँ और आप लोग को भी दिखाऊंगी हम लोग का ट्राइबल एरिया में हम लोग किन सब्जी को ये पानी खेती से मिलता है और किन किन सब्जी को खाता है। मैं आज आप लोग को दिखाऊंगी। और मैं अपने साथ लेके आई हूँ हीरो और न्योगन। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सब्जी को डालेंगे। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, चलते हैं सब्जी ढूंढते हैं। देखिए मैंने सारा सब्जी तोड़ ली है। ये है, इसको कहते हैं हम लोग ओइक। ये देखिए ये है ओइक, बहुत ही खाने में टेस्टी है। और ये देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सायोंग मारसांग, सायोंग बोलते हैं, सांगली भी बोलते हैं हम लोग। देखिए मैंने इतना तोड़ ली है सायोंग, बहुत सारा है, इसे मैं खत्म कर लेती हूँ। मैं आप लोग को एक और बात बता देती हूँ, ये जो अभी हम जो अभी सब्जी तोड़ रहे हैं ना, वो ये सीजन में नया नया उग जाता है। ये बहुत ही, इसलिए हम लोग बहुत सारा लोग इस समय को तोड़ने जाता है। ये में पानी खेती में जा कर के बहुत ही टेस्टी होता है। अभी का समय में नया नया उग जाता है, इसके लिए हम लोग अभी इसको तोड़ के खाते हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिए। ये देखिए ये भी है सब्जी बट केरला, ये भी सब्जी है। हम लोग का भाषा में क्या बोलता होगा मुझे जरूर बताना। देखिए ये भी सब्जी है, इसे भी खाते हैं हम लोग। दोस्तों ये एंट लोग को देखिए तो मैंने कभी नहीं देखा ये एंट को, आप देख सकते हैं। यह में इसका जत्ता है, एक बार इसको का करेंगे हम। वाओ, बहुत वो सोर है इसका वो टेस्ट, आप देख सकते हैं। ये देखिए वाओ, कितने दिनों के बाद मुझे ये खाने को मिल रहा है। ये है अमोताक्यो, हम लोग इसको हम लोग का मिलांग भाषा में अमोताक्यो बोलते हैं। देखिए हम लोग का भाषा में क्या बोलता होगा। ये है ओकोमामंग, आपका गैस के लिए भी बहुत है फायदेमंद है ये सब्जी। पेट में गैस खाते आलू का, आलू का आलू गुत्ती सब्जी, आलू गुत्ती खाते रहने से पेट में गैस हो जाता है ना, उसके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। हम लोग इसको ओकोमामंग बोलते हैं। ये देखिए बहुत टेस्टी है ये। ये देखिए इसका घास मैं से ऐसे तोड़ूंगी। ओकोमामंग ओइंग, ओइंग का मतलब सब्जी होता है, हम लोग ओइंग बोलते हैं। देखिए मैंने बहुत सारा तोड़ लिए है, अभी और भी तोड़ना है, उस तरफ जाके देखते हैं अभी। ये भी सब्जी है सिलिक मिलिक ओइंग। वाह, मुझे तो क्या क्या सब्जी मिला आज, बहुत टेस्टी होने वाला है। देखिए ये है तकांग, और हम लोग का भाषा में मिलांग भाषा में से तकालांगमा बोलते हैं, और
पादाम में इसको तकांग बोलता है। देखिए और अब का भाषा में क्या बोलता है प्लीज इसे बताना मुझे कमेंट सेक्शन पर, ताकि मैं भी अब का भाषा सीख सकूं। बहुत सारा ओइक मिल रहा है, ओइक को हम का भाषा में हम लोग क्विक बोलते हैं। दोस्तों वो घास में से आदमी लोग तोड़ दिया, मुझे इतना ही मिला और मैं लोगों को बता देती हूँ। ये है ओंगन और हम लोग का भाषा में इसको मिलांग भाषा में क्या बोलते हैं, सेपियम बोलते हैं हम लोग। देखिए आप देख सकते हैं ये और ये, इसको हम लोग का खेती में उगाया जाता है, इसको हम लोग ओरिजिनल मानता है। और इसको ये देखिए इसको मिलाकर आप देख सकते हैं, ये हम लोग इसको नकली मानते हैं इसका कंपेयर में, लेकिन दोनों का टेस्ट इसका जरा अच्छा है इसलिए इसको हम लोग नकली मानते हैं, लेकिन इसका समय में इसका बहुत ही टेस्टी है, इसलिए इसका समय में ये ज्यादा नहीं मिलता, इसलिए इसको ढूंढने जाते हैं आजकल हम लोग। लेकिन मुझे यहाँ पे मिल गया, देखिए आप देख सकते हैं, मैं अभी इसे तोड़ूंगी। इसको हम लोग मारसांग बोलते हैं, मारसांग। देखिए आप देख सकते हैं ओको मामांग, इसे कहते हैं ओको मामांग ओइन। वाह दोस्तों देखिए बहुत ही प्रेस ओइक यहाँ पे, वाह मैं अभी यहाँ पे टूट पड़ती हूँ, देख सकते हैं बहुत सारा है। अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, बहुत ही गर्मी है, बहुत सारा सब्जी मिला है मुझे, आप देख सकते हैं। देखिए बहुत सारा सब्जी है जो कि प्योर ऑर्गेनिक है, जंगल में पाया जाता है ये सभी सब्जी को। इतने अच्छे अच्छे सब्जी देखकर आप लोग को भी पसंद आए होंगे। अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर से ढूंढना स्टार्ट करूँगी। आज आया है तो पूरा जंगल छान मारेंगे ताकि अच्छे अच्छे सब्जी मिले मुझे। ये देखिए और ये बहुत ही प्रेस है, ये है ओंगन ओइन। ये लो प्रेशर नहीं करना है, हाई प्रेशर को करना है। देखिए जंगल में आया है, मैं अभी चलती हूँ दूसरा जगह। यहाँ का तो मैंने तोड़ ली है, बहुत सारा गाय है वहाँ पे, गाय लोग को चरा के रखा हुआ है। सब्जी ढूंढने बहुत तकलीफ है जंगल में सब्जी ढूंढना, क्योंकि एक जगह में नहीं होता है तो क्या करना पड़ता है, पूरा ढूंढते रहना पड़ता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, अभी खेती स्टार्ट हो जाने से, खेती लगाने के बाद तो और भी सुंदर होते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर है नज़ारा। आज मैं यहाँ आई हूँ सब्जी ढूंढने, बहुत सारा सब्जी है वहाँ पे भी है। देखिए बहुत सारा ओइक सब्जी है, ओइक है, लेकिन मैं उस पार नहीं जाऊंगी क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा ड्रेन लगाया हुआ है, मैं इसे जंप नहीं कर सकूंगी, इसलिए मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ दूसरा। और बहुत ही सुंदर जगह है, देखिए गाय लोग पूरा अभी वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, बाद में जब खेती स्टार्ट हो जाएगा तो ये लोग को खाने नहीं मिलेगा, इसलिए अभी ये लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं। मैं अभी दूसरा और जा रही हूँ, यहाँ से मैंने थोड़ा मिला और अभी थोड़ा जंगल का अंदर घुसेंगे, वहाँ में कुछ अंगन मिल सकता है, उसके लिए मैं थोड़ा जंगल के अंदर जाऊंगी। अब लोग मेरे साथ बने रहिए। वाह दोस्तों देखिए यहाँ पे है 10 रुपया, देखिए वाह 10 रुपया किसी का पॉकेट से गिर गया था होगा।
देखिए पूरा किच्चर किच्चर है। मुझे पहली बार पैसा मिल रहा है, 10 रुपया है कि 20 रुपीज़ है, 10 रुपया है। देखिए मुझे 10 रुपया मिल गया दोस्तों। देखिए मैं अभी यहाँ से मिठाई खाऊंगी, सुखाने के बाद मैं यहाँ से मिठाई लूंगी। दोस्तों ये देखिए मुझे 10 रुपया का नोट मिल गया, और ये देखिए बहुत सारा सब्जी भी मिला मुझे, तो आज सब्जी भी मिला और पैसा भी साथ साथ में। मेरे लिए आज का दिन बहुत ही लकी है। देखिए मैं अभी जंगल की ओर जा रही हूँ ताकि मुझे और ज़रा सब्जी मिले। दोस्तों पैसा भी मिल सकता है आगे जाने से, अभी नीचे जमीन को पूरा देख के जाना होगा, जाना पड़ेगा मुझे। अभी मैं आप देख सकते हैं उधर उधर में एक जंगल है, अभी मैं उसके अंदर घुसेगा, उसके बाद थोड़ा आंगन ढूंढेगा, वहाँ पे शायद कुछ आंगन मिल जाए। देखिए वाह व्हाइट वाला, देखिए चिड़िया कितना सुंदर लग रहा है। हम लोग उस तरह वो जंगल में जाएंगे, वहाँ पे मैंने सुना है कि बहुत सारा आंगन होता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरी आज का मेहनत बहुत ही रंग लाई, मैंने बहुत सारा सब्जी तोड़ी है जंगल से, बहुत ही फ्रेश फ्रेश सब्जी मिली है। आज तो मेरी लकी डे बन गई, 10 रुपया भी मुझे वहाँ से रास्ता से मिल गए थे और मुझे बहुत सारा सब्जी भी मिला। गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।